आम इंतखाबात में नौजवानों का किरदार अहमियत इख्तियार कर गया है। नौजवान नस्ल इस बारे में क्या सोचती है, आए देखते हैं वुमेन मीडिया सेंटर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की आबादी का 60% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। मुल्क में सियासी जमातों की भरपूर तवज्जो नौजवान वोटर्स की तरफ है। नौजवान इंतखाबी अमल में हिस्से पर अपनी मुख्तलिफ राय का इजहार करते हैं। नौजवानों का जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए वोट्स जो है अभी वो यूथ के ही मैटर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा पता है कि अब हमारे लिए नेक्स्ट फ्यूचर में हमारे लिए कौन अच्छा है, कौन ज्यादा बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि हमें अब हम इतने पढ़े लिखे हो गए हैं कि हमें अपने गुड और बैड का पता है। और इस दफा इलेक्शन में यूथ का ज्यादा से ज्यादा वोट होगा, क्योंकि यूथ जो है बहुत ज्यादा अवेयर हो गई है हर चीज से। साल 2013 में इंतखाबी कामयाबी हासिल करने वाली जमात ने नौजवानों पर खास तवज्जो दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नौजवानों को इंतखाबी अमल में शरीक करने के लिए मुख्तलिफ आगाही मुहिम तश्कील दी है। यूथ जो है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा आबादी का हिस्सा है, और मैं समझता हूँ कि उनको अपना जो एक पॉलिटिकल सेंस है वो पूरा पूरा अप्लाई करना चाहिए, और उस पॉलिटिकल सेंस को ना सिर्फ अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ, बल्कि अपनी जो उसकी राइटिंग स्किल्स हैं अगर वो उसको बेहतर इस्तेमाल करें और उसको कोई प्रोडक्टिव यूज़ लेकर आएँ, यूथ को एक वो डायरेक्शन दें जो वो समझते हैं बेहतर हों, और लोगों को गाइड करें कि हम इन सारे चैलेंजेस से इलेक्शन के प्रोसेस के साथ किस तरह उसको कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। निज़ाम की बेहतरी के लिए नौजवान नस्ल को गौर व फिक्र के साथ इंतखाबी अमल में भी अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरा पर्सन अलिशबा गौरी के साथ उम्मुल कुरा, WMC हैदराबाद।